नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं आपको बताऊंगा शुक्र के गुण, धर्म और विशेषताओं के बारे में। लेकिन इस जानकारी से पहले मेरा आप सबसे निवेदन है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर दबाएँ, जिससे आपको मेरी आने वाली वीडियोज़ की जानकारी मिलती रहे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का विषय, शुक्र के गुण, धर्म और विशेषताएं। दोस्तों, जैसा कि ज्योतिष शास्त्र में शुक्र का वर्णन किया गया है, उसके अनुसार शुक्र के काले घुंघराले बाल है, शुक्र का विशाल मतलब बड़ा शरीर है, शुक्र का गेहुआ रंग है, शुक्र स्त्रीयोचित ग्रह है, शुक्र एक शुभ ग्रह है, शुक्र सभी रंगों का मिश्रण है, शुक्र पत्नी का कारक है, प्रेम संबंधों का कारक है, इंद्रिय आनंद जो भी मिलते हैं उनका कारक शुक्र है, पारिवारिक आनंद का कारक शुक्र है और शरीर की जो जीवन शक्ति होती है उसका कारक भी शुक्र है। शुक्र जलीय तत्व है और शुक्र का जो शरीर है श्वेत है मतलब सफ़ेद है और शुक्र का आकर्षक रूप है। शुक्र पत्नी या पति का वैवाहिक सुख का कारक है। शुक्र नृत्य कक्ष का भी कारक है। शुक्र इंद्रिय आनंद देने वाला है। शुक्र वाहनों, गन्ने की फैक्ट्रियों, व्यापार, रासायनिक दवाइयों, सिल्क, रेशमी कपड़े और सूती कपड़े, वो कपड़े जो बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी के होते हैं, ऐश्वर्य की वस्तुओं, वासना, आनंद, घर की सेविका मतलब घर में जो स्त्री एक सर्वेंट के तौर पर काम करती है तो हुआ घर की नौकरानी, इत्र और संगीत वाद्य यंत्र, इन सब का जो प्रतीक है शुक्र है। अब शरीर के जो भाग हैं जिनका शुक्र प्रतिनिधित्व करता है वो हैं यौन संबंधी अंग, वीर्य, मांसपेशियां, मूत्राशय, जांघ और बाल। शुक्र अगर कुंडली में पीड़ित है तो शुक्र के पीड़ित होने से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं? बीमारियां होती हैं जैसे रतिज संबंधी बीमारियां, यौन असमर्थता, गठिया संबंधी रोग, दृष्टि कमज़ोर होना, सूंघने की शक्ति कम होना, वीर्यपात, श्वेत पर्दर मतलब सफ़ेद पानी आना या लिकोरिया जैसे स्त्रियों के रोग। तो ये सब रोग शुक्र के जन्म कुंडली में पीड़ित होने से होते हैं। दोस्तों, शुक्र का जो वर्ण है ब्राह्मण वर्ण है, शुक्र का लिंग स्त्रीलिंग है, शुक्र की जो दिशा है दक्षिण पूर्व दिशा है मतलब अग्नि कोण है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मेरी इस वीडियो से आपको शुक्र के बारे में एक अच्छी जानकारी मिली होगी। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।